गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। लॉकडाउन की स्थिति में समय ही नहीं मिल रहा है कि कब वीडियो अच्छी तरह बनाया जाए और उसे यूट्यूब पर डाला जाए ताकि और भी बच्चे लाभान्वित हों। खैर, कभी रात कभी शाम हो जाते हैं। खैर, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ में ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कैश फ्लो चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लगभग सभी सेक्टरों में इसकी यूज होती है, CA, CS, ICWA, साथ ही साथ BCom पार्ट 3 में भी इसकी यूज है, बहुत जगह इसकी यूज है, बहुत सारे मैनेजमेंट में इसका यूज है। तो आज मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कुछ ऐसे फंडे बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में गलत होने से रोकेगा, जिससे आप बचेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इम्पॉर्टेंट नोट्स फॉर CFS ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोर्ड पर लिखा हुआ है गुडविल, पेटेंट, प्रिमरी एक्सपेंसेज। गुडविल आप जानते होंगे, नेम फेम मतलब गुडविल। पेटेंट का मतलब अधिकार, कोई सामान बनाने का अधिकार लेना, उसे पेटेंट कहते हैं। और प्रिमरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है प्रारंभिक व्यय। कोई कंपनी जब खुलता है तो उसके भवन, फर्नीचर, मशीनरी पे जो खर्च होते हैं उसे प्रिमरी एक्सपेंसेज कहते हैं। यदि घटे मतलब डिक्रीज हो तो रिटेन ऑफ के नाम से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किया जाता है। बढ़े तो बढ़े, अगर ये इंक्रीज करे यानी बढ़े तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लिखा जाता है। याद रहे कि अगर ये तीन नाम आपको याद रहेगा, यदि ये तीनों घटता है तो रिटेन ऑफ के नाम से ऑपरेटिंग में ऐड कीजिए, और बढ़ता है तो उसका यूज नहीं करना है। इस बात का ध्यान आपको देना होगा। आज मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड अब तक मैंने आपको दो वीडियो भेजे, जिसमें पहली वीडियो मेरी थी डायरेक्ट मेथड और दूसरी थी इनडायरेक्ट मेथड। आज मैं आपको इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे डाउट्स क्लियर कर दूंगा जिससे आपका क्वेश्चन आगे सही बने। अभी विद्यार्थी ग्रुप में ऐसा मैसेज कर रहे हैं कि सर प्लस माइनस को लेकर, इंक्रीज डिक्रीज को लेकर, एड लेस को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। मगर कुछ विद्यार्थी तो एकदम माइंड ब्लोइंग बना रहे हैं, क्या कहना है, एकदम अच्छी तरीके से बना रहे हैं। तो खैर, आज मैं आपको वो सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा जो अब क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह के डाउट्स नहीं रहेंगे, और बस एक या दो वीडियोज में या क्लास में आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, नई एक्टिविटी पढ़ेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आइए ध्यान देते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या कुछ नया है उसके बारे में मैं माइनर हिंट्स दूंगा, तो आपसे क्वेश्चन बड़े आराम से बनेंगे। तो कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10 में देखा जाए कौन कौन से आइटम हैं। सबसे पहले देखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग से एक गलती बहुत जबरदस्त हो जाती है और हो भी रही है। क्या हो रही है कि आप लोग डेट को फॉलो नहीं कर रहे हो। जो पहला डेट नज़र के सामने आता है उसी को आप कंपेयर करने लगते हो। गलत, आपको सबसे पहले वो डेट लेना है जो प्रीवियस ईयर हो, जैसे 20 और 21, तो आपकी नज़र पहले 20 पे जानी चाहिए, उसके बाद 21 पे। कहा भी जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर एग्ज़ाम में इस बात का आपको ध्यान नहीं रहेगा, पहले आपकी नज़र अगर प्रीवियस ईयर पे नहीं गई तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत बन जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में यही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 10 में 20 और 19 दिया है। माय डियर स्टूडेंट, आपका नज़र पहले 2019 पे जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जो पहले प्रॉफिट था सर जी 1,20,000, वो प्रॉफिट घट के हो गया 1,10,000, यानी कि शुभारम्भ करेंगे नेट लॉस फॉर द ईयर। बिल्कुल सही, नेट लॉस फॉर द ईयर -10,000। -10,000 का मतलब ब्रैकेट में 10,000 रखिएगा। डेटर करंट एसेट्स जानते हैं, आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी। हाँ, अब आ गया गुडविल, जो मैंने बोला वो आ गया। गुडविल पहले था 76,000 और बाद में हो गया 80,000। 76,000 से 80,000 हो गया, यानी कि बढ़ गया। और गुडविल बढ़ेगा तो उसे यूज नहीं करना है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लिखना है। घटता तो मैं ऐड करता, लेकिन ये तो सर जी बढ़ रहा है, 76,000 से 80,000 हो गया, इसका मतलब इसका यूज बिल्कुल नहीं करना है, गुडविल नहीं लिखना है। और आगे प्रीपेड
करेंट एसेट्स और उसके बाद क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी, बड़े आराम से क्वेश्चन डील होगा। अगली क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, जो कि बॉक्स के नीचे दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट। शुभारंभ करेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 125,000 से शुभारंभ करना होगा, ब्रैकेट में नहीं डालना है, ये प्रॉफिट है, पॉजिटिव है, तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 125,000। उसके बाद बॉक्स का एक एक आइटम मैं क्लियर कर देता हूं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसमें हम आइटम को देखते हैं, डेटर करेंट एसेट्स, बीआर करेंट एसेट्स, क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी, बीपी करेंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग करेंट लायबिलिटी, प्रीपेड करेंट एसेट्स और एक्रूड इनकम करेंट एसेट्स। एक आइटम बिल्कुल नया है जो मेरे रूल में नहीं है, मगर थोड़ा सा सोचने पर समझ में आएगा। लास्ट आइटम है इनकम रिसीव इन एडवांस, समय से पहले इनकम मिलना, ये आपके लिए लायबिलिटी है। मान लिया जाए कि आप कहीं से सैलरी लेते हो और सैलरी आप अगले महीने का भी ले लेते हो बिना काम किए, तो ये आपकी लायबिलिटी बनती है कि आपका वो पैसा आपको अब समय से पहले मिलना आपके लिए लायबिलिटी होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, तो ये लास्ट आइटम क्या है सर? इनकम रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी है, जो कि पहले कितना था सर? पहले 1,000 था, बाद में 0 हो गया, यानी लायबिलिटी घट रहा है। लायबिलिटी घटता है तो क्या करते हैं? लेस करते हैं। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन 12, आइए इसका भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं ताकि आप क्वेश्चन नंबर आराम से बना सकें 10, 11 और 12। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें डेट सही दिया है, पहले 19 और बाद में 20, यानी पहले प्रॉफिट 30,000 था और बाद में 35,000 हो गया, यानी हम शुभारंभ करेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 5,000, 5,000 से शुभारंभ होगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 5,000। अब एक एक आइटम को बड़े आराम से, जनरल रिजर्व, रिजर्व हमेशा पॉजिटिव होता है और इसको ऐड में ही डालना चाहिए। वैसे आप देख भी लीजिए 10,000 से 15,000, यानी ये बढ़ रहा है, तो इसको आपको ऐड के बोर्ड में डालना है। जनरल रिजर्व हमेशा एडिंग होता है और लगभग हमेशा बढ़ते हुए नजर आता है, तो जनरल रिजर्व ऐड में जाएगा 5,000। आउटस्टैंडिंग करेंट लायबिलिटी है, फिर गुडविल आ गया, गुडविल पहले कितना था सर? 20,000 और बाद में हो गया 10,000, गुडविल घट रहा है, तो घटेगा तो क्या करना है? रिटेन ऑफ के नाम से ऐड कर देना है, तो आपको ऐड के बोर्ड में लिखना होगा गुडविल रिटेन ऑफ 10,000। याद रहे कि गुडविल को क्या लिखिएगा? गुडविल रिटेन ऑफ, ऐड के बोर्ड में, यानी ऐड करना है 10,000, उसका कंपेयर वैल्यू। और उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल, यानी बिल रिसीवेबल, तो ये एसेट्स है, करंट एसेट्स, इसमें एडजस्टमेंट भी है, जरा उसको ध्यान देना होगा। एन आइटम ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 20,000, एक प्लांट था जिसकी कॉस्टिंग, खरीद दाम, लागत थी 20,000, उसका बुक वैल्यू हो गया 14,000। 20,000 का कोई प्लांट यानी कि मशीनरी खरीदा गया और उसे कुछ साल यूज किया गया, तो यूज करने के बाद उसका दाम आज हो गया 14,000। हम लोग कोई सामान खरीदते हैं और उसे कुछ साल यूज करते हैं, उसका वैल्यू जरूर गिर जाता है, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, मशीनरी हो, कुछ भी हो। तो 20,000 की मशीन कुछ सालों को यूज करने के बाद आज हो गया 14,000, बढ़िया, उसको बेच दिया गया 18,000 में। सोचिए 20,000 का सामान यूज करते करते 14,000 हो गया और मैंने उसे बेच दिया 18,000 में, तो सर जी यहाँ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट यानी आमदनी हुआ कितना? 4,000। आज की डेट में जिस सामान का दाम 14,000 है उसको मैंने बेच दिया 18,000 में, यानी 4,000 प्रॉफिट हो गई। और हमने बताया था नन ऑपरेटिंग इनकम को लेस किया जाता है, यानी ये 4,000 लेस होगा, मैं बोर्ड पे बताऊंगा, थोड़ा वेट करें। आगे देखा जाए सर, ड्यूरिंग द ईयर में डिप्रिसिएशन, यानी कि डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ 5,000, डिप्रिसिएशन क्या है सर? खर्च है, तो डिप्रिसिएशन को ऐड किया जाए और प्रॉफिट ऑन प्लांट को लेस किया जाए, है ना? तो याद रहे 12 नंबर क्वेश्चन में दो बातें ध्यान देना एकदम जरूरी, ऐड में एक आइटम क्या बढ़ेगा सर?
ऐड में एक आइटम बढ़ेगा डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना रुपया, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट आपका हो जाएगा 5,000। बढ़िया। और इसके अलावे लेस में भी एक आइटम बढ़ेगा जिसका नाम होगा प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट कितना रुपया, 4,000 फायदा हुआ बेचने से। तो ये दो आइटम को यदि आप ध्यान में रखिएगा तभी जाके आपका क्वेश्चन अच्छा बन पाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा जा रहा होगा। अगली टॉपिक में बहुत सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंक्रीज डिक्रीज यानी कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी मिलेंगे। तो अगली टॉपिक में उम्मीद करते हैं कि आपका फिनिश हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यदि आपकी हमारी आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।